वहीं माफिया हाथी के बेटे असद के एनकाउंटर की पुलिस एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल से भाग रहे थे असद और गुलाम का। पुलिस ने पीछा किया, ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसके बाद आत्मरक्षा में डीएसपी नवेंदु कुमार, डीएसपी विमल कुमार ने फायरिंग की। असद के एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बाइक मिली है वो बिना नंबर प्लेट की थी, जिससे असद और गुलाम भाग रहे थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस पूरी रिपोर्ट की दिखा रहे हैं, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि बाइक की तलाश की जा रही थी, बाइक के नंबर की तलाश की जा रही थी। आखिर किसने ये पनाह दी थी, किसने मदद की थी, लेकिन ये खबर आ रही है कि वो जो बाइक थी वो बिना नंबर प्लेट की थी। मयूर हमारे साथ बने हुए। मयूर, ये कोशिश की जा रही थी कि ये पता लगाया जाए कि बाइक किसकी है, किसके नंबर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये बिना नंबर प्लेट की बाइक थी। बिल्कुल, देखिए जो एनकाउंटर करने वाली टीम थी उसमें जो उपाधीक्षक नवेंदु कुमार थे, उन्होंने जो एफआईआर अभी जारी की है जिसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है घटनाक्रम का, कि किस तरीके से वो भाग रहे थे, उसका पीछा किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई ना, उसने पर उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद फिर मुठभेड़ में वो मारे गए। तो ऐसे में जो बाइक किसकी थी ये तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाइक में नंबर प्लेट ना होने की वजह से अब थोड़ी सी और असमंजस की स्थिति पुलिस के सामने खड़ी हो गई है कि क्या किस तरीके से पूरा जो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि इन दोनों से ही और लोगों का भी पता चल पाएगा। अगर गाड़ी का नंबर पता चल सकता तो ये पता चल सकता था कि ये किसके संरक्षण में ये लोग अभी तक रह रहे थे, किसने इनको पनाह दी थी, तो कुछ ना कुछ सुराग पुलिस के हाथ में जरूर लगता। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, तो अभी फिलहाल पुलिस के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं कि वो पता लगा सके कि झांसी में किसने इनको पनाह दी। बिल्कुल, बेहद शातिर थे, इसी वजह से बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहे थे। बहुत शुक्रिया मयूर, और तमाम संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल